अपोलो के शेयर में मेरी इनिशियल रिस्क थी इट वॉज ओनली 34,500 और फिर मैंने अपोलो में पूरा ट्रेड करके 32 लाख बनाए। इतना जल्दी हो सके आप पहले 10 लाख का ट्रेड कीजिए। और सर ने जैसे बताया कि वंस यू गो फॉर 10 लाख तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान पर रहेगा। Generated 70% returns this financial year. I'm a different person now than what I was 7 months back. I'm guaranteeing you, your life will entirely change. Myself, Anil Bahadure. I was with the Government of Maharashtra Water Resources Department. और मैं पिछले साल ही रिटायर हुआ हूँ। बहुत कम लोग हैं या एक दो ही लोग हैं जो मेरे से बड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक माइंडसेट के बारे में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने टीम में ज्वाइन किया तो मैं एक लॉट से ट्रेड करता था। उसके बाद से मैं एनएक्स में आया, 2 लॉट से शेयर करता था और फिर मैं बहुत शांति से बैठा और सोचा और मैंने 10 लॉट ले लिया। और अपोलो के शेयर में मेरी इनिशियल रिस्क थी इट वॉज ओनली 34,500 और फिर मैंने अपोलो में पूरा ट्रेड करके 32 लाख बनाए और एट अ टाइम मेरे 25 लॉट थे। ठीक है, मेरा थोड़े इग्नोरेंस थे या वो मैं उससे एग्जिट हो गया, अभी फिर री एंट्री किया। बट मैं सबको, यहाँ जितने भी बैठे हैं सब ट्रेनिंग वाले, उनको मैं एक कहना चाहता हूँ कि ये माइंडसेट से जाने के लिए एक लॉट से 2 लॉट 5 लॉट और 10 लॉट से जाने के लिए आपको एक धक्के की जरूरत है। इतना जल्दी हो सके आप पहले 10 लाख का ट्रेड कीजिए। और सर ने जैसे बताया कि वंस यू गो फॉर 10 लाख तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान पर रहेगा और इट विल गो, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज। मैंने सर के जो 1 करोड़ के ट्रेड है जिंदल स्टील और अंबुजा सीमेंट, ये एटलीस्ट मैंने 25-30 बार देखे हुए और बहुत बारीकी से स्टडी किया। उसके बाद में काफी कुछ चीजें सुधारी मैंने, अभी तो मतलब 90% सुधारी और 10% देर इसको। मेरी भी इच्छा है कि ये 1 करोड़ का ट्रेड हो जाए और हो सकता है। दूसरी एक चीज बताता हूँ, सर और मैम अपने होमवर्क के लिए इतना डंडा लेके पीछे लगते हैं, मैं सबको अभी से सावधान करना चाहता हूँ। सर ने एक 8-9 चीजें थी, दोनों डाइवर्जन, दोनों PRD, NRD, W पैटर्न के वगैरह होमवर्क बताए थे। सब पूरी चीजें 200 बार की है, NRD, PRD, W पैटर्न, एवरीथिंग। सो अनलेस यू डू इट, ये जो डंडा पीछे लेके पीछे लगते हैं उसके पीछे यही कारण है कि यू शुड लर्न इट, यू शुड डू इट बाय हार्ट। और अभी तो सर ने 100 का क्राइटेरिया निकाल दिया, 1000 का नया लगा दिया, तो दैट यू हैव टू फॉलो। तो ये सब बातें हैं, अभी सर ने 90 सेकंड दिए थे। नहीं नहीं नहीं, बराबर है, बहुत अच्छा। तो, हाँ, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अपोलो टायर का ट्रेड लेने के पहले मेरे भी 5 बार स्टॉप लॉस हुए थे। जो 308 में ट्रेड लेना चाहता था वो मैंने 376 से चालू किया था। तो एक बार इतने स्टॉप लॉस होने के बाद एक अपने माइंड में ये हो जाता है कि भाई ये तो शेयर मेरे लिए लाभ ही नहीं है, मैं इसमें क्यों ट्रेड करूं। बट ये सब बातें आप निकाल दीजिए और अपना 10 लाख वाला ट्रेड जल्दी से कीजिए। थैंक यू। आर यू इंस्पायर्ड बाय दिस स्टोरी? अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। खाली एक ही चीज़ चाहिए मुझे आपसे, वो है आपका बिलीफ, आपका फेथ कि आप कर सकते हो। अपने आप में फेथ, एक मार्केट में फेथ और एक हम पे फेथ एज अ मेंटर, एज अ कोच, कि हम आपसे करवा सकते हैं। और दूसरा है, आपको टाइम एनर्जी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात करोड़पति बनना है। ये 1 ईयर प्रोग्राम है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 1 साल तक, क्योंकि ये हाई इनकम स्किल है। और जैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, वहाँ पे भी मेहनत लगती है 2-3 साल, वैसे ही एक प्रोफेशनल कोर्स है जो बेसिक से लेके एडवांस से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो माइंडसेट पे होता है। और पूरा जो करिकुलम है माइंडसेट का, दैट विल चेंज योर लाइफ एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी ऑल्सो। सो यू हैव सीन सो मेनी टेस्टिमोनियल्स, यू हैव सीन सो मेनी पीपल, एंड इट्स नॉट फ्लाई बाय द नाइट काइंड ऑफ अ थिंग। 15 साल हो गए मलकानजी को और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ने पैसा बनाया, ऐसा भी नहीं है कि सब कोर्स कर लिया तो मैं पैसा बना लूँगा। कोर्स में काम तो आपको ही करना है। मतलब स्कूल में जाते हो, स्टूडेंट 60 होते हैं लेकिन नंबर 1 का ही आता है पहला और 1 का लास्ट आता है। तो कितना मेहनत आप करने को तैयार हो, एंड दैट
is going to decide the thing. But one thing is for sure, don't do it without knowledge. बिना knowledge के, बिना कोई coach के, बिना कोई mentor के अगर काम कर रहे हो तो भले ठीक है अप ट्रेंड में पैसा बन जाएगा, लेकिन नीचे आएगा तो वही नुकसान होगा और वही रिजल्ट होगा जो बाकी सबका होता है. सो टेक इट एज अ प्रोफेशन. अगर मुझसे नहीं या किसी और से सीखना है, बट सीख के करो. वन कोच वन अप्रोच. और ये स्पेशलाइज नॉलेज है. स्पेशलाइज मतलब ये ऐसा नहीं है कि सब जगह से सीख सकते, क्योंकि किसी का सबका अलग अलग स्टाइल है, सबका अलग अलग मेथड है, सबका अलग अलग सिस्टम है. राइट. सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम वन. सो वन कोच वन अप्रोच. गो डीप नॉट ब्रॉड. फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट. ट्रेड एंड मी 12.6 के बैच के दरवाजे खुले हैं अभी. आप नीचे लिंक पे क्लिक करोगे, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी प्रोग्राम की, कैसे इन्होंने जैसे किया है. और हर बैच में हम कुछ नया कुछ ऐड करते हैं. जैसे अभी इस वाले हमने श्री श्री रविशंकर जी के साथ टाइप किया कि हमारा जितने भी हमारे ट्रेडिंग में स्टूडेंट हैं उनको हम 3 मेडिटेशन कोर्स करवाएंगे, उनके बेसिक से लेकर एडवांस तक. क्योंकि खाली पैसा बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको माइंड बॉडी और सोल तीनों पे काम करना पड़ेगा. इसलिए मैं बताता हूँ कि ये एक कोर्स के अंदर आपको बिजनेस कोच, पर्सनल कोच, माइंडसेट कोच, ट्रेडिंग कोच और स्पिरिचुअल कोच एक ही साथ मिल रहे हैं. सो मेक श्योर यू गो एंड अप्लाई एंड चेक आउट मोर डिटेल्स अबाउट ट्रेड एंड मी 12.6. आई विल सी यू इन द वीडियो. थैंक यू सो मच. गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.